जय गुरु जी, शुक्राना आपका। आपने मुझे सत्संग पे बुलाया, बहुत ही अच्छे दर्शन हुए आपके, आपने अच्छी ब्लेसिंग दी है, आपका बहुत 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 शुक्राना है, दिल से शुक्राना है, हर सांस में शुक्राना है। गुरु जी, कोई गलती होगी तो माफ़ करना, काफ़ी लफ्ज़ हैं इसमें कुछ जो कि बोले जाएंगे अभी, पर मुझे आपने पता है, आप ही ने मेरे को बोला है सत्संग सुनाने के लिए, नहीं तो इतने साल से मैं जुड़ी हुई आपके साथ, बट कभी आपने मौका नहीं दिया था, पर आपने बोला कि आप सत्संग सुनाने को, तो मैं सुना रही हूँ। तो संगत जी, ऐसे हुआ था कि मैं गुरु जी से 3 साल ही हुए अभी जुड़ी हूँ, तो मेरे हस्बैंड, मेरे अंकल बाहर यूरोप में गए हुए थे, तो मैं उनके बिना कहीं आती जाती नहीं थी। तो मेरी बेटी सत्संग पे गई अपनी फ्रेंड के घर पर गुरु जी की, तो मैं उसको मना करती थी कि नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाना, ऐसे कि तेरी शादी हो चुकी है, तेरे ससुराल वाले मानते हैं नहीं मानते हैं, हमने गुरुद्वारे में ही जाना है और कहीं नहीं जाना है। वो नहीं हटी, कहती कोई बात नहीं मम्मी, सेवा ही है, कोई बात नहीं कर लेते हैं। तो मैंने फिर चुप कर गई। फिर अगली बार फिर वो गई, मैंने फिर उसको मना करा, क्योंकि हम शुरू से ही गुरुद्वारे जाते थे तो ऐसा कुछ भी नहीं था, तब हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे। तो एक दिन मेरा मन नहीं लग रहा था, तो मैंने ना उसकी फ्रेंड को बोला, शैली की फ्रेंड को बोला कि मुझे भी आज बुला लेना एज ए टाइम पास। तो मैं भी चले गई वहाँ पर। जब मैं गई अंदर, देखा सब लगन हुए थे, तो सब बैठे ऐसे मस्ती में झूम रहे थे, भजन सुन रहे थे। मैं इधर देखूं उधर देखूं, देखा तो सामने गुरुजी की गद्दी लगी हुई थी। तब तो मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे ही गई थी कि टाइम पास हो जाएगा, मेरा टाइम नहीं निकल रहा था ऐसे। तो जब मैं गई तो मुझे जल प्रसाद दिया, तो मैंने मना कर दिया कि नहीं नहीं, मैं तो पी के आई हूँ, मुझे पता नहीं था। तो उन्होंने सब ने मेरी तरफ ऐसे देखा, तो मैंने ले लिया, जल पिया। फिर सब अपना मस्त हुए हुए थे, तो मैं गुरुजी की गद्दी की तरफ बार बार देखी जाऊँ, स्वरूप देखी जाऊँ, भोलेनाथ देखी जाऊँ, गुरुजी की जुत्ती, चरण स्पर्श देखी जाऊँ, और मन में तरह तरह के विचार उल्टे सीधे आ रहे थे, जो कि पहली बार जब भी कुछ आता है उनके मन में आता है, जिनको नहीं पता होता, ऐसे मेरे साथ भी हुआ। तो मैं बोली जाऊँ, मैंने कहा गुरुजी माफ़ करना, तो मैंने कहा है तो हमारी तरह ही इंसान है, ये क्या बात हुई, लोग कितने पागल हैं, भेड़ चाल चल जाते हैं, ये हो, जैसे मन में विचार गलत आते हैं, तब पता नहीं था। तो बैठी बातें करती रही, ऐसी बोलती रही, कुछ ना कुछ विचार आते गए। लास्ट में जब लंगर प्रसाद हुआ तो सब आज्ञा ले रहे थे, तो मैं भी खड़ी हो गई वहाँ पर। मैंने मत्था तो नहीं टेका उस टाइम पर, मैंने जो भी देखा मैंने बोल दिया कि मैंने कहा जो भी हो ना, आप मुझे पहले बताओ आप कौन हो, मैं ऐसे मानने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मैं थोड़ी जिद्दी टाइप की हूँ। तो मैं घर चले गई, सो गई रात को। आपको सपने में आ गए, कैसे आए सपने में, मैं बेड पे बैठी हूँ, मेरे अंकल आए हैं सीढ़ियाँ चढ़ के, हम दिल्ली रोहिणी में रहते थे उस टाइम, अब तो मैं नोएडा में रहती हूँ। तो जैसी सीढ़ियाँ चढ़ के आए, हमारी स्टार्टिंग में किचन है, तो हम की टांगते हैं, अंकल ने आते ही चाबी टांगी, और पीछे ही गुरुजी आ रहे थे। मैंने उस टाइम गुरुजी की कोई वीडियो वगैरह कुछ स्वरूप कुछ नहीं ऐसा देखा था, सिर्फ पहली बार ही देखा था जो स्वरूप लगा हुआ था, सिंपल वो, मतलब तो कुछ आइडिया था कि गुरुजी कैसे थे देखने में, कैसे चलते थे, कुछ नहीं पता था मुझे। तो गुरुजी जैसे एक शॉल ओढ़ते हैं, एक चेक कलर का, फौजी से कलर का है वो, एक काफ़ी स्वरूप आते हैं उसमें, वो ऐसे करके चले और ऐसे मेरी किचन की तरफ देखा पहले, तो फिर सामने मैं बैठी, और मैंने क्या बोला, मैंने बोला ले गुरुजी तो बाऊ जी तो आ भी गए, मेरे मुंह से निकला बाऊ जी तो आ भी गए, अब क्या रिश्ता है मेरा पिछले जन्मों का इनके साथ, ये तो वही जानते हैं, मुझे लगा मेरे मुंह से यही निकला, ले बाऊ जी आ भी गए। मैंने अपनी बेटी को बोला अनु शैली तुमने कितना गंद डाला हुआ है, देखो बाथरूम सारा गंदा करा हुआ है, गिल्ला करा हुआ है, बाऊ जी तो आ भी गए, उन्होंने बाथरूम भी जाना होंगे। मैं क्या बाऊ जी आ जाओ तुम इतने, मैं उन्होंने बाजू तो पकड़िया, जिदा अपने बाप बेटी का एक रिश्ता होंगे, इदा कूनी तो पकड़िया, मैं क्या तुम इतने बैठ जाओ, इदा मैं चादर थोड़ी साफ की और बैठा देता। और वो मुझे ये भी नहीं पता था कि गुरु जी ऐसे करके बैठते थे, मुझे नहीं पता था गुरु जी ऐसे ही बैठे जैसे बैठते हैं, पीछे पिल्लो रखा हुआ था।
तो बैठ गए, इधर उधर ऐदा देखने लग गए, और मैं बच्चों को डांटने लग पड़ी कि सफाई कर लो फटाफट, ये गंदा पड़ा है। एक सामने खटिया सी बिछा दी, मैंने कहा बाबू जी तुम इतने लेट जाओ, वो वहां पे उठ के वहां फिर बैठ गए। वहां पे बैठने के बाद मैनू कहंदे इधर आ, मैं चले गई पीछे। हमारे ना बेडरूम की बैक साइड पे एक छोटा सा बालकोनी बनी, वहां पे मैंने एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है, सिलेंडर वगैरह काफी सामान, कुछ मंदिर का सामान मैंने बॉक्स में बंद करके रखा हुआ था, बट मुझे ऐसा नहीं दिखा। तो ना उन्होंने एक लकड़ी का डोर खोला, कहते देख तू सफाई नहीं कर दी हैगी, देख इन्ना चूहे दी मिंगना गिरिया हुई है इतने, देख विच भगवान दी फोटो पईया हुई है, विच मिश्री प्रसाद भी देख इदी पिया होया वा। मैं क्या हाँ जी मैं कर लवांगी, तो मैनू इदा टेढ़ी अख ना पिछे देख के हस पे, कहंदे अच्छा दस तू सप्प दीआं गोलियां चलाई सी गुरुद्वारे जाके। मैं क्या हाँ 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 चलाई सी, जिदा एक बेटी बाप नाल मजाक दे विच जो रिलेशन हुंदा है तुसीं सब जानदे हो, उदां ही मैं क्या हाँ 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 चलाई सी। फिर टेढ़ी अख ना मैनू देख के कहंदे पता है मैनू, जाके जला के आई। ਇਹ ਰਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਪ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ 'ਚ ਜਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਕਾਲੀ ਗੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜਲਾਓ ਔਰ ਸਾਂਪ ਸਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਤੋ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਏ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਈ ਔਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਬੈਠਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਚੁੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਨੀਚੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ। ਮੈਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਨਾ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਊ ਜੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਿਆ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਕੱਢ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਪਿਆ ਕਹਿ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ ਐਲਾ ਫੜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਇੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਤਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸ਼ੈਲੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਰੱਖਿਆ, ਮੱਕੀ ਦਾ ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਦਾਣਾ ਇੰਝ ਖਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਖੋ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੋ। ਸਪਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਸਪਨਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਬਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਬੋਕਸ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਾਫੀ ਮੂਰਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਮੇਟ ਕੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਜਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੰਗਣਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਮਿਸ਼ਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਤੋਂ ਪੈਕਟ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿੱਕਾ ਕਿਹੜਾ ਵੈ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਇਆ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ 7ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਜਾਂ 8ਵੀਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਆਈ ਸੀ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ, ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਉਦੋਂ ਨਿਊ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਔਰ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਉਹ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਨ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਊ ਆਈ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਖੁਦ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹਲਵਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪੂਰਾ ਰੈੱਡ ਰੈੱਡ ਫੇਸ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ। ਔਰ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖੜ੍ਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਦਾ, ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਇੱਕ ਸੀਨ ਮੈਨੂੰ ਹਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਵਾ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਔਰ ਬੜੇ ਪਤਲੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਔਰ ਕਾਫੀ ਪਸੀਨਾ ਪਸੀਨਾ ਵੀ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਸੀ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਬਦਾਮ ਕੱਚਾ ਬਦਾਮ ਹਰੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਸਭ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਂਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਚਾਂਦੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਸੀ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਰਡਸ ਮੇਰੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਗੂੰਜ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਪਲੇਟ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਨਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ
और अंकल ने बोलिया कि ये नागमणी है जिन्हें दर्शन करने कर लो, बट कोई टच नहीं करेगा इन्हों, बस इस तरह करके उन्होंने टच करके दर्शन करवाए से। मैनू याद आई है गल्ल। उस तो बाद मैं अपनी सिस्टर नू पूछया फोन करके कि दीदी ए गल मैनू याद आई है कि जो मैं छोटी होंगी सी ए सब कुछ मैं देखा होया, चांदी का सिक्का कितने है? वो कहते जो तेरा विआह है सी तेनू सारा कुछ नाल ही देता सी जो तेरा समान सीगा। और वो चांदी का सिक्का मैं एक डिब्बी च पाके, डिफरेंट सीगा, है तो वो भोलेनाथ मतलब एक लक्ष्मी जी और गणेश जी ही बने हुए थे जिदा दिवाली के सिक्के मिलते उस टाइप का ही सीगा, बट वो थोड़ा वड्डा टाइप सीगा, कुछ होर डिजाइन सी उहदा। और वो मैं ना सिक्के डिब्बी च पाए, बाकी सिक्के मेरे इस तरह पे सी, और मैं दिवाली ते जदों पूजा करती सी सारे सिक्के करती सी एक दो वारी, और डिब्बी दे विच फुल भी निकले है, बट मेरे च बचपना नहीं उदों पता सीगा। चलो जो भी होया, जदों गुरु जी ने दर्शन दिते कि सिक्का कित्थे, उस तो थोड़े दिन पहले ही मैं सारे सिक्के दे के एक चांदी का गिलास लेके आई सी, और ताई मैनू गुरु जी ने कहा कि सिक्का कढ कित्थे है। फिर मैं अपनी सिस्टर नू पुछया और मैं गुरु जी का स्वरूप दिखाया, वो कहंदे नहीं नहीं ए नहीं हैगा, वो तो कोई होर बाबा सी, क्योंकि वो नहीं मनते, वो निरंकारी ने। उस टाइम जिवें पड़ोस जाइए इदां ही सत्संग ते गए हुए सीगे, और कहंदे नहीं नहीं ए नहीं हैगा, वो तो कोई होर सीगा। मैंने कहा अच्छा है। फिर मैंने गुरु जी ने सपने दे विच क्यों दिखाया कि चांदी का सिक्का मैं दिता सी, पर वो है ही नहीं। फिर मेरा दिमाग भटक रहा सीगा, मैं सत्संग ते जदों जांदी सी दो तीन वारी गई, फिर मैं गुरु जी नूं उही सवाल करदी सीगी कि गुरु जी ए तो चांदी के सिक्के का की हैगा, दिता तो सीगा मैंने, पर वो मेरी सिस्टर कहती ए नहीं है। इस ते काफ़ी दिन निकल गए, तीन चार सत्संग निकल गए, तो फिर एक दिन मेरी सिस्टर मेरे घर आई, सोफे ते असीं इकट्ठे बैठे, मैं अपना फोन चला रही सी और फोन दे विच देखिया कि गुरु जी का ग्रुप जिहड़ा चल रहा सीगा उहदे विच गुरु जी दे पुरानियां पिक्स आईयां, और मैं देख रही सी मेरी सिस्टर कोल ही बैठी, देख उहदा अचानक ध्यान गया और कहिंदी लै ऐही दित्ता सीगा जिन्ने तैनूं चांदी का सिक्का दित्ता सीगा। मैं उस टाइम बड़ा रोई, मैं क्या गुरु जी मैं तो माफ़ी मैं मंगदी हाँ कि मेरे को चांदी का सिक्का अनजान च चला गया, जे तुसीं पहला मैं दस्सदे मैं चांदी का सिक्का कदी नहीं अनजान देंदी। बहुत बहुत शुकराना करदी हाँ। उस तो बाद जिस तरह वीडियो देखती रही, उही पोज सेम, उही कपड़े गुरु जी दे, सब सपने च जो दिखिया से मैंनू वीडियोस दिखनिया शुरू हो गया। कभी भी मैं कुछ भी गुरु जी नू पुछदी हाँ ना, मैनू मैं सवेरे उठदी जो फोन खोलदी हाँ ना, मैनू जो पुछदी हाँ, मैनू अपने जिहड़े गुरु जी दे ग्रुप्स हुंदे ना, मैं उहदे च पहले ही वर्ड्स दे विच मैनू जवाब जरूर मिलदा है। जो भी मैं पुछदी हाँ मैनू गुरु जी हमेशा जवाब दिंदे ने, गुरु जी हमेशा मेरे नाल ही रहना। बेटी को भी सुना दो कैनेडा के, मेरे पास सत्संग आंटी इतने सत्संग है ना, वो सुना दो कैनेडा वाला, बहुत सत्संग है मेरे पास, तो वो तो पूरा करो, जो आज मेरे को सुनाने को बोल रहे मैं वही सुनाऊंगी। ठीक है, मैं ये भी नहीं सुनाने वाली थी, पर जो मेरे को हुक्म हुआ था मैं तो वही सुना।